guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a tip of 9 ever, that is cider. I first clean my table because my table is messy every day. And look what is there on my table. There are some papers on which I do calligraphy, and I have written the squares. I will tell you how I had written this class, but I will clean my table. So guys, my table is clean. Now I will write these words. So let's start. इसके लिए मैं ले रही हूँ ये डायरी और डायरी और ये स्काई ब्लू स्केच पेन और ये ब्लैंक पेज ब्लैंक व्हाइट पेज. I wrote these words, you can see them. Words likhne ke baad main aage kitchen mein aur maine jo mujhe aaj mere ghar ke andar aage hai biryani isse mujhe aaj ho raha hai lal aur tab mausam bhi ekdam change ho gaya. Itni achhi hawa chalne lagi aur barish ka ekdam mausam hone laga. Oh my god, na acha lagne laga. बारिश भी स्टार्ट होंगे. फिर मैं गई किचन में और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सब चीजें बन चुकी है. इधर पुलाव भी बन रहा है और इधर गोश्त भी बन रहा है. फिर मेरी अम्मी ने कहा कि गोश्त को ढक कर छोड़ दो, कुछ देर होने दो ऐसे ही. फिर मैंने इसको ढक दिया और फिर मैंने देखा कि इधर इन्वर्टर भी हो गया है लो. और नमाज पढ़ने के बाद मैं गई उस पे किचन में और मैंने देखा कि पुलाव भी बन चुका है और इधर चिकन भी रेडी हो गया. फिर अम्मी ने मेरे कहा कि उसको अब बिरयानी को मिला दो. तो फिर मैं गई बिरयानी को बैठ गई मिलाने के लिए और बिरयानी मिलाने के बाद मैंने इसको गैस पर लो फ्लेम करके चढ़ा दिया और फिर 20 मिनट बाद ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है और इसे मैंने मिला दिया ऊपर नीचे करके. मैंने बिरयानी को मिला दिया. मगरिब की अजान होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था और मैं बैठ गई अपनी बिरयानी को लेकर और फिर इसके बाद अजान हुई और नमाज मैंने पढ़ा बिरयानी खाने के बाद. फिर इसके बाद मैंने पिया चाय और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.